तोड़ते हुए उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज हुई। अब एक बार फिर से समय है चुनावों का, और ये चुनाव है विधान परिषद के, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि विधानसभा में जहां वो सबसे मजबूत है तो विधान परिषद में भी वो मजबूत हो जाए, ताकि किसी भी तरह से कोई फैसला लेने में कोई भी अड़चन ना आए। और समाजवादी पार्टी इस विधान परिषद चुनाव के जरिए ये बताने की कोशिश करेगी कि हम सत्ता को समस्याओं में लाने के लिए तैयार हैं, हमारे कैंडिडेट्स तैयार हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स जीत करके विधान परिषद पहुंचेंगे वो सरकार की समस्या बढ़ाने के लिए खड़े रहेंगे। लेकिन कल 27 सीटों पर वोटिंग होनी है, होनी तो 36 पर थी, लेकिन 9 ऐसी प्रमुख सीटें थीं जहां पर कैंडिडेट्स ने या तो अपने नाम वापस ले लिए या तो उन्हें पर्चा नहीं जमा करने दिया गया, और ऐसी 9 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो गया। इसके अलावा अब जो सीटें बची हैं 27 सीटें, इन 27 सीटों पर कल चुनाव होना है, विधान परिषद का MLC का चुनाव होना है। लेकिन इस बार भी ये जो चुनाव है ये मल्टी कॉर्नर फाइट की तरफ जा रहा है। कहीं पे लोग बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव यानी एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच फाइट है, और कहीं पर लगातार इस बात की भी सुगबुगाहट काफी तेज है कि इस चुनाव में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव पैसे का चुनाव होता है, ये चुनाव कहीं ना कहीं माफियाओं का चुनाव होता है, ये चुनाव कहीं ना कहीं नेताओं के बड़े बड़े जो उनके दबदबे होते हैं उनको दिखाने का चुनाव होता है। नेताओं के परिवार के लोग लड़ते हैं, उनके बेटे बहू लड़ते हैं, पत्नियां लड़ती हैं, रिश्तेदार लड़ते हैं, माफियाओं के साथ भी कुछ इसी तरह होता है। और कुल मिलाकर यहाँ पर दमखम दिखाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से अपनाई जाती है। BDC प्रधान इसके वोटर होते हैं, और कहीं ना कहीं चुनाव शुरू होने से लेकर के वोटिंग वाले दिन तक उन सभी BDCO प्रधानों पर ये प्रत्याशी नजर बना करके रखते हैं कि ये कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहा है, अगर इधर उधर जा रहा है तो उसको पकड़ के ले आया जाए, इसको वोट अपने पाले में गिरवाया जाए, समझाया जाए, बुझाया जाए। और ये कोशिश चला कर रही है लंबे समय से, इस बार भी चल रही है, ये नहीं कि इस बार ऐसा हो रहा है। जो विधान परिषद का चुनाव होता है दरअसल ये सत्ता का चुनाव होता है, क्योंकि चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे सपा की सरकार रही हो, और अभी मौजूदा BJP की सरकार रही हो, कहा यही जाता है कि ये सत्ता का चुनाव रहता है, क्योंकि सत्ता यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावी रहती है, क्योंकि वो सत्ता में है तो जाहिर सी बात है जो अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं सत्ता के साथ रहते हैं, कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स हैं उनको ज्यादा कोशिश करने के लिए, मतलब कोशिश आप समझ रहे हैं किस तरह की कोशिश की मैं बात कर रहा हूँ, उस कोशिश को करने और दिखाने का ज्यादा समय मिलता है, जैसा कि अभी देखने को भी मिला बीते दिनों जब समाजवादी पार्टी के कई सारे कैंडिडेट्स नॉमिनेशन करने जा रहे थे तो रास्ते में उनका पर्चा छीन लिया गया, पर्चा फाड़ दिया गया, कईयों के साथ मारपीट हो गई, जो अपने आप को लठैत बताते थे वो भी मारे गए। तो ये वाली जो कोशिश है, ये कोशिश करने और दिखाने में ज्यादा भूमिकाएं जो कैंडिडेट्स हैं उनको सत्ता की तरफ से मिलता है। कई ऐसी सीट्स हैं उत्तर प्रदेश की इस वक्त की विधान परिषद की जहां पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी मजबूत इस बार दिखाई दे रहे हैं। तो इस बार की ये लड़ाई काफ़ी अहम है विधान परिषद चुनावों की, क्योंकि समाजवादी पार्टी BJP एक बार फिर से आमने सामने हैं, कई सीटों पर जो फाइट है वो काफ़ी टफ है, और कई सीटों पर कैंडिडेट्स ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम सामने वाले से इतना प्रभावित हो गए कि हमने अपना नाम वापस ले लिया, तो कहीं पर लोग ये कह रहे हैं कि हम पर्चा भरने जा रहे थे, हमारे साथ मारपीट हो गई, पर्चा छिना गया और हम नामांकन नहीं कर पाए। और ऐसी करीब 9 सीटें हैं, 27 पर वोटिंग होनी है, लेकिन इन 27 में भी क्या रणनीति है, क्या गणित भिड़ाया गया है, कौन सी राजनीतिक दल को लग रहा है कि इस बार इन 27 सीटों में ज्यादा से ज्यादा वो जीत करके विधान परिषद में अपने नेताओं को भेजने वाले हैं, क्या गोड़ा गणित भिड़ाया गया, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और एक और अहम बात है कि इस चुनाव से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बहुत ही अहम ट्वीट किया गया है, बयान जारी किया गया है, और उस बयान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया है कि इस बार की सरकार में जो बुलडोजर नीति सरकार के साथ जुड़ी रही है पिछले 5 सालों में भी, इस बार भी सरकार में आने के बाद लगातार माफियाओं के ऊपर, उनकी संपत्तियों के ऊपर बुलडोजर का प्रहार सरकार की तरफ से किया जा रहा है, तो इसका कोई गलत इस्तेमाल अधिकारी ना करे।
किसी भी गरीब की झोपड़ी पर या किसी भी व्यापारी की संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलाया जाए, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान जारी किया गया है। ये कहा गया है कि अपराधियों माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलना जरूरी है, लेकिन किसी गरीब की झोपड़ी पर और किसी व्यापारी को परेशान ना किया जाए। तो सवाल यहां पर यह है कि आखिर इस तरह का बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्यों दिया? क्या कुछ ऐसा हो रहा था जिससे सीएम नाराज हो गए थे? सीएम को यह पता चला कि कहीं पर अधिकारी कुछ ज्यादा ही काम कर दे रहे हैं बुलडोजर के बल पे, तो उन पर रोक लगानी जरूरी है, गरीबों को परेशान किया जा रहा था या कुछ व्यापारी नाराज हो रहे थे, तो यह बयान क्यों दिया गया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारा आज का जो प्रमुख मुद्दा है वो यही है कि कल विधान परिषद चुनावों के लिए 27 सीटों पर वोटिंग होनी है, 12 तारीख को नतीजे आ जाएंगे और देखना यह होगा कि इस बार इस लड़ाई में ज्यादा कौन अहम है, कौन ज्यादा मजबूत है और विधान परिषद में किसके कैंडिडेट्स ज्यादा पहुंचते हैं। फिलहाल आप कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूं। हम काफी खुश है क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि हम लोग ऐसे ही दूसरे स्टेट से आए हुए हैं, यहाँ पे हम लोग जिंदगी किसी तरह गुजार रहे हैं झोपड़ियों में, तो उनसे दिल से निवेदन मतलब गुजारिश है कि वो ऐसा कदम ना उठाए, हम लोगों के लिए बेहतर है यही, और चाहे तो हम लोगों के लिए आवास की व्यवस्था भी कर दे क्योंकि हमारे पास ज़मीन है नहीं, हम लोग यहाँ पे सरकार की ज़मीन पे रहते हैं। इस फैसला तो हम देखते ही वो बहुत अच्छी बात है, अगर ये पूरे ना बुलडोजर ना चलाए तो ये बात बढ़िया है, तो मुख्यमंत्री सरकार के लिए जो हम धन्यवाद दे रहा है वो आशीर्वाद हम उसके लिए रखते, दुआ रखते हम, बढ़िया है ये चीज़ तो है। जैसे गरीबों का कोई अस्थाई जो है उनकी अगर कोई व्यवस्था कर दे तो उसके लिए तो और अच्छे है हम लोग के लिए। बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ अवैध निर्माण तथा अवैध रूप से सरकारी जमीन पर जिन्होंने कब्जा कर रखा है उन पे किया जाए तथा सारी न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद किया जाए। इन चीज़ों के बारे में कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी सभी जगहों पे बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाना है, बुलडोजर का इस्तेमाल बेजा कहीं नहीं की जाए, इस संबंध में निर्देश है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनसे आपको रूबरू कराता हूं, फिर इस डिबेट को मैं शुरू करूंगा। रामनिवास यादव जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा मीसम जैदी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, चौधरी सचिन सिरोहा हमारे साथ आरएलडी से जुड़े हुए हैं, अजय कुमार जी विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी कुछ इनसे साझा होगा जानने की कोशिश करेंगे, और अभिषेक मिश्रा राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हुए हैं, कई मुद्दों पर ये मुखर होकर बोलते हुए नजर आते हैं और इनसे भी हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज की डिबेट में। रामनिवास जी सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, 9 सीटें तो पहले ही आप लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से जीत ली हैं, अब बची हैं 27 सीटें जिन पर कल वोटिंग होनी है, क्या रणनीति है और क्या एजेंडा सेट किया गया है वोटिंग के लिए, कल कैसे आप लोग जनता के वोट को जो बीडीसी और प्रधान हैं उनको अपने पाले में खिंचवाएंगे, क्योंकि विपक्षी भी पूरी तरह से मजबूत दिख रहे हैं कुछ सीटों पर, सब पर नहीं कुछ सीटों पर, क्या तैयारी की गई है? नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा 2014 से शुरू हुई है अभी तो रुकी तो है नहीं, इसलिए जो 27 सीटों पर कल चुनाव है भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत उस पर भी होगी और विपक्ष चाहे जितने प्रयास कर ले, क्योंकि जनता ने उनका साथ छोड़ दिया है, इसलिए किसी कीमत पर उनकी एक भी सीट नहीं आनी है और भारतीय जनता पार्टी की मतलब किस नहीं, जनता चाह नहीं रही उनको, जब जनता नहीं चाह रही तो चाहे जितना ये प्रयास कर ले, ऐसे कई बार हम लोगों ने देखा आपकी न्यूज चैनल मीडिया माध्यम से कि वो पैसा बांट रहे हैं, इनका पैसा लेने के बाद भी वोटर इनको वोट नहीं देने का काम कर रहा है, क्योंकि अच्छा। तो लोग योगी जी की सरकार मोदी जी की सरकार को देख रहे हैं, अच्छा काम सरकार कर रही है, इसलिए हमारे प्रत्याशियों के साथ है और कल 27 हमारे प्रत्याशी विजयी होंगे। कल कुछ ये लोग गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे तब? नहीं, उसके लिए कानून अपना काम करेगा, जो गड़बड़ करेगा उसके लिए बुलडोजर है, बाकी कानून अपना काम करेगा। ये तो धमकी दे रहे हैं आपकी, जो गड़बड़ करेगा उसके लिए बुलडोजर नहीं, नहीं, भाई जो गड़बड़ करेगा तो उसको क्या उसके आदमी भाई सुन रहे हैं ना, कल कुछ गड़बड़ करेगा तो बुलडोजर है, जो गड़बड़ करेगा उसके लिए कानून के अनुसार जो भी सजा होगी उसको मिलेगी, क्योंकि योगी जी की सरकार है, ये पिछली सरकारें नहीं जो गुंडों माफियाओं की सरकारें थी कि अपनी मर्जी चलाते हुए, यहाँ कानून का राज है और कानून के तरीके से जो काम होगा वो सरकार करेगी। क्या कोई ऐसी सीट ऐसा लग रहा है जहाँ पर कुछ टक्कर है आपकी समाजवादी पार्टी से? नहीं, ज्यादातर सब जगहों पे समाजवादी पार्टी लड़ाया है, बाकी तो किसी ने लड़ाया नहीं, तो निश्चित रूप से जब एक ही पार्टी लड़ रही है
तो टक्कर भी उन्हीं से है, टक्कर नहीं, वो तो एक फॉर्मेलिटी रूप समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को लड़ा रही है और भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा अंतर से जीत रही है और आगे सारी सीटें जीतेगी। ठीक है, मिसम जैदी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। मिसम भाई, रामनिवास जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर कल कुछ गड़बड़ करेंगे तो बुलडोजर है मुख्यमंत्री जी का, उसको याद रखिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, 9 सीटें तो पहले बीजेपी शांतिपूर्ण तरीके से जीत चुकी है, अब बची हैं 27 सीटें। आप लोगों की क्या तैयारी है, क्या लगता है कि कहां कहां पर आप लोग टक्कर दे रहे हैं? जी के बारे में जो हमारे बड़े भाई हैं और हमारे प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, कुछ को तो बिल्डोजर चढ़ा के मार दे रहे हैं और कुछ को डरा डरा के मार देंगे, कैसे ऐसे मार देंगे। तो ये जो डराने का काम है भारतीय जनता पार्टी का, अभी ये डरा रहे हैं कि उनके लिए बिल्डोजर है, पर्चे खुद छीन के भाग रहे हैं। आपने देखा हमारे पार्टी के सीनियर नेता थे उदयवीर सिंह, उनका पर्चा लेके भाग गए, धमकी ये दे रहे हैं, पर्चा ये छीन के भाग रहे हैं, बिल्डोजर ये लिए है और डर हमसे रहे हैं कि अगर कोई आदमी गलत काम करेगा तो उस पर बिल्डोजर चढ़ाया जाएगा। आप देख रहे हैं ना इनकी बातों को, ये मतलब चित भी अपनी पलटी अपनी और कहावत नहीं तो ये भी कह रहे हैं कि गुंडों की सरकार नहीं है ये, गुंडों की सरकार मतलब समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी से ही उनके कैंडिडेट से ही अगर पर्चा छिना जा रहा है तो काहे के गुंडे। आपने हम ही को डपट रहे हैं, हम ही पर बिल्डोजर चला रहे हैं, तो हम गुंडे कहाँ बचे? सरकार तो इनकी है, गुंडा राज तो इनका हो रहा है। अब ये सरकारी गुंडे हैं, लाइसेंस है इनके पास, अब ये लाइसेंसी गुंडे हैं। हम तो अवैध गुंडे थे, हम पर तो कार्रवाई हो जाएगी चाहिए, अगर मान लीजिए हमारे पर अवैध असलाह बरामद हो जाएगा तो हमारे ऊपर तो कार्रवाई कर देगी सरकार। बट ये सरकार जो जो लाइसेंस होल्डर हैं इनके नेता लाइसेंस लिए हुए गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो सैयब है कोतवाल डर काहे का, कहां रिपोर्ट दिखाएंगे हम लोग जाकर? ताकत इनके पास, के पास असलहा इनके पास, बाहुबल इनके पास, तीन भाई, तो हम रिपोर्ट लिखाने किसके पास जाएंगे, किससे अपनी गुहार लगाएंगे? 27 में से कै जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, बताए कि कै जिताए कि हम तो कै जीत रहे हैं। जहां जहां इनकी पैमानियां नहीं चलेंगी, जहां जहां इनका प्रभाव नहीं रहेगा, जहां जहां इनका रुपया नहीं चलेगा, वहां हम जीत जाएंगे। जैसे कि भी आपने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, कि हमने खुद ही जो है अपनी सीटों को, अपनी ईवीएम, भारतीय जनता पार्टी क्यों बताएगी? भारतीय जनता पार्टी क्यों बताएगी? आप लठैतों की पार्टी कहे जाते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसे बताएगी? क्योंकि इनके में सरकार हो, इतने सर्वशक्तिमान हो गए हैं ये कि अब इनको किसी को जीतने ही नहीं देना। अच्छा, मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। अब तो कोई मतलब ही नहीं है बीजेपी, कुछ दिनों के बाद जो है फिर वो यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, राजतंत्र लागू हो जाएगा लोकतंत्र के बाद, बादशाह चुने जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सेकेंड अंपायर, थर्ड अंपायर, फोर्थ अंपायर, तो इस तरह से तो इनका तो राजकाज है भाई, जो चाहें ये कर ले। और रही बात ये कि जनता की आवाज को हम दबने नहीं देंगे और ये वक्त बताएगा कि हम कई सीटें जीतेंगे। ठीक है, रामनिवास जी कुछ कह रहे थे, मैं सुन लेता हूँ फिर आता हूँ। हाँ, रामनिवास जी। नहीं, मिसम जैदी जी भी बोल रहे थे 2014 में आपकी सरकार थी तब भी हम जीते, 2017 में भी आपकी सरकार थी फिर भी जनता ने हमको जिताया, तो आप क्यों नहीं रोक पाए? अगर आपको लगता कि सत्ता के दम पर चुनाव हम जीत रहे हैं तो उसमें सरकार आपकी थी, क्योंकि जनता ने आपका साथ छोड़ दिया है और लगातार 2014 फिर 17 फिर 19 फिर जो है 22, तो आपको अब कोई जवाब जनता को देने के लायक नहीं है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि सरकार जबरदस्ती कर रही है। ठीक, सरकार की कोई जबरदस्ती नहीं है, जनता का रुझान है, चाहे वो ये भी कह रहे हैं कि आप जितनी जिताएंगे जनता पार्टी के साथ, वो कह रहे हैं आप जितनी जीतने देंगे हम उतनी जीतेंगे। नहीं, हमने कहा ना आपसे कि हमारी 27 जीतेंगी, एक भी सीट समाजवादी पार्टी की नहीं आने वाली। हाँ, मिसम भाई सुन लिया, क्लियर हो गया सब? जी जी जी, प्रधानी और ब्लॉक प्रमुखी में आपने देखा था किस तरह से तानाशाही करी थी इन्होंने, किस तरह से धन बल के दल पर और लोगों को तोड़ मरोड़ की राजनीति करी थी इससे पहले प्रधानी में और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, तो वही उन्हीं से उनको वोट लेना है, तो उनको ये धन लोलुप को माया के जाल में उनको धन लालच का जो है वो लाभ माया से फंसा करके इस तरह से ये चुनाव को जो है वो वितरित करना चाहेंगे। पर हम ये चाहेंगे कि जनता समझदार है और जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के
क्या कहते हैं विधानसभा चुनाव में जिस तरह से अपना दबदबा और कब्जा कर लिया किसी तरह से करके पैमानी से ईवीएम में, उस तरह से हम इनका एमएलसी चुनाव में इस तरह का कार्य नहीं होने देते। ठीक है मैं आता हूँ आपके पास। सचिन सिरोहा हमारे साथ आरएलडी से जुड़े हुए हैं। सिरोहा साहब, समाजवादी पार्टी कई सीटों पर फाइट दे रही है, कई सीटों पर ऐसा लग रहा है कि वो शांत बैठी है, आपको क्या लगता है? 27 सीटें हैं कल जिस पर वोटिंग होनी है, क्या होगा आगे, क्या नतीजे निकल कर सामने आ सकते हैं? और दूसरी चीज ये, मुख्यमंत्री जी ने आज एक बयान दिया है कि गरीबों की झोपड़ियों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, तो ये बयान क्यों दिया गया, क्या कुछ गड़बड़ हो रहा था? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए। देखिए अभी हमारे भाजपा के मित्र ने जो कहा, क्या आप लोगों को लगता है उस भाषा से कि ये जो बुलडोजर चलाने वाली धमकी उन्होंने यहाँ चैनल के माध्यम से दी है, ये क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कुछ गड़बड़ करेंगे तो बुलडोजर याद रखिएगा। उससे साबित ये हो गया कि ये लोग निश्चित रूप से धनबल, बाहुबल, सत्ता बल, जितना ये कर सकते हैं उसका इस्तेमाल ये पूर्ण रूप से करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, कितने लोग इनके दबाव में आएंगे, कितने लोग नहीं आएंगे, ये वोटर तय करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से आज गुंडई पे उतर आई है सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है अजय कुमार जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। अजय जी, कल 27 सीटों पर वोटिंग होनी है, क्या लगता है इस बार ये नतीजे क्यों कैसे होंगे? क्योंकि कहा तो यही जाता है कि विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो सत्ता का ही चुनाव होता है, सत्ता के पक्ष में होता है, इस बात में कितनी सच्चाई है इस वक्त को देखते हुए? और समाजवादी पार्टी, पहले भी देखा गया कि कई सीटों पर तो पर्चा ही नहीं दाखिल हो पाया, मार वार भी हो गई, उसके बाद अब देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर शांति ही बैठे हुए हैं, तो क्या कोई फाइट है? नितिन जी, शुरुआत में ही आपने काफ़ी कुछ कंक्लूड कर दिया चीज़ों को, बताया जाए सत्ता पक्ष का चुनाव है, ये बात सत्य है, सत्ता पक्ष का ही चुनाव होता है, इसमें जनता सीधे कहीं जुड़ी होती नहीं है। इसमें जो वोट देने के लिए होते हैं, जो आपके प्रतिनिधि होते हैं, जो पहले से चुने हुए होते हैं, वही वोट देते हैं, प्रधान है जो भी है। राजनीति करने के लिए जब आदमी मैदान में उतरता है तो जनता के भले के लिए जब मैदान में कूदता है तो कुछ ना कुछ इससे गलतियाँ हो ही जाती हैं, तो उसके ऊपर दो चार मुकदमे, दो चार बातें ना चाहते भी हो जाता है। और सत्ता पक्ष इसी का उपयोग दुरुपयोग दोनों कह सकते हैं करती है इन चुनावों में, और ये एक तरह से अपने दम्भ को भी दिखाना होता है सत्ता पक्ष को। जैसे अभी क्या है, विधानसभा जीत के आए हैं, बहुमत हुआ, अब विधान परिषद में भी अपना बहुमत बनाना है तो उसकी भी लड़ाई है। और जब हम अपनी सत्ता का हनक नहीं दिखा पाएंगे, सत्ता को आगे नहीं ला पाएंगे, तो हम कहीं ना कहीं कमजोर होंगे। और समाजवादी पार्टी के जैसे प्रवक्ता साहब ने कहा, वो तो मुझे लगता है जैसे सरेंडर कर चुके हों, मतलब एक न्यूट्रल आदमी की तरह बता रहा हूँ, जिनके बयान मुझे ऐसे लगे कि कहीं से इनके अंदर एनर्जी ही नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना है। और 36 में से 9 आप समझ सकते हैं 1/4 अपने आप ही पहले सरेंडर्ड हैं। अब उसके बाद बची 27 सीटों पर चुनाव होना है, वहां सपा के प्रवक्ता का बयान सुनिए अगर आप, तो वो ये कह रहे हैं कि हम तो मान के चलिए कि हम सरेंडर कर चुके हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है। मजबूत विपक्ष की तरह इनको हमेशा लड़ना चाहिए, और इसीलिए लोकतंत्र जिंदा है, और इस तरह से सरेंडर कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज भाजपा का दौर चल रहा है, पीछे इनका भी दौर था, जैसे भी रामनिवास जी ने बताया कि इनके भी दौर में हम लड़े हैं और जीते भी हैं, तो ऐसे इनको भी लड़ना चाहिए और जीतना चाहिए, मेरा इतना ही मानना है। अच्छा, एक चीज और है, आज मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया बुलडोजर को लेकर के, कि गरीबों की झोपड़ियों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, व्यापारियों को परेशान नहीं किया जाएगा, तो क्या कुछ ऐसी शिकायतें आ रही थी जिसको लेकर के ये फैसला लिया गया? क्या अधिकारी कहीं पर मनमानी कर रहे थे? देखिए, होता क्या है, जितने भी अवैध कब्जे आप उठाएंगे, चाहे अवैध निर्माण हो, अवैध कब्जा हो, अवैध जमीनों पर कब्जा हो, उसमें सरकारी तंत्र के लोग शामिल होते हैं, ये एकदम क्लियर है। कहीं इसमें आप ये मत सोचिएगा कि कोई बाहुबली आकर के कब्जा कर लेता उसको कोई देख नहीं पाता है, कोई गरीब आदमी जाके झोपड़पट्टी बना लेता उसको कोई नहीं देख पाता। आप एक छोटा सा निर्माण करिए, एलडीए में अगर आपका घर है, आप खाली बाउंड्री बनवाने लगे, देखिए कल एलडीए के इंजीनियर आपके पास पहुंच जाएगा 2-4-5 हज़ार रुपये की रिश्वत लेने के लिए आपके पास। तो इतने बड़े बड़े निर्माण नहीं दिखते हैं, 12-12, 15-15 मंजिले की बिल्डिंग खड़ी होती है, निर्माण नहीं दिखता है, दिखता है, खूब दिखता है, ये लोग शामिल होते हैं उसमें। अच्छा, और जब दबाव पड़ता है, जैसे आज मुख्यमंत्री जी अपनी ईमानदार छवि के लिए माने जाते हैं कि भाई जो भी कुछ हो जस्टिफाई, लेकिन अब ये चूंकि सहयोग करने वाले लोग नहीं है, ये अपनी दाल बचा रहे हैं, अपनी रोटी बचा रहे हैं, इन्होंने, इनका काम अपनी तनख्वाह से नहीं चलता है, ये अपने सारा काम तनख्वाह को सेव करके बाकी चीजें जो होती हैं
उसको अपने ऐसो आराम के लिए इस निर्माण को बढ़ावा देते हैं, कब्जा को बढ़ावा देते हैं, और जब गर्दन नपने की बारी आती है तो कहीं भी जाके उठाने गिराने लगते हैं। उस समय ये अपने लोगों को बचाते भी हैं, ये सही है कि अपने लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं, और मुख्यमंत्री जी की नजर है इस पर, उनके पास शिकायत पहुंचती है, उनको लोग लगातार ट्वीट करते हैं, बताते भी रहते हैं कि ये चीज गलत हो रही है, सही हो रही है, वो संज्ञान लेते हैं इन चीजों का, और इसीलिए रोका गया है कि भाई कोई ऐसा आदमी ना फंस जाए इस मामले में जिसकी कोई गलती ही ना हो। कब्जे होते हैं उसमें आप ये मान के चलिए 80% शामिल होते हैं सरकारी तंत्र के लोग, चाहे वो LDA के इंजीनियर हो या ग्राम पंचायत की जमीन पे जबरन कब्जा नहीं कोई कर सकता है, चाहे वो ग्राम समाज की जमीन हो उस पर भी कब्जा लोग करते हैं, वहाँ भी कोई जबरिया कब्जा नहीं होता, लेखपाल मिला होता है, ग्राम प्रधान मिल करके कराते हैं कब्जा कि भाई जाओ चलो दिया तुमको, कहीं ना कहीं अधिकारी अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, खूब करते हैं, खूब करते हैं और कर भी रहे हैं, और अपनी गर्दन बचाने के लिए, जैसे अभी आप आज नीरज बुरा जी का दिखा होगा, अपने विधायक उत्तरी विधानसभा से, उनका बिल्डिंग गिराने के लिए लोग गए, निर्माण गिराने के लिए गए, तो ये तो दिखाने के लिए ठीक है कि हम इनका गिराने गए हैं, एक मैसेज अच्छा जा रहा है कि हाँ भाई ठीक है विधायक जी भी नहीं बच रहे हैं इसलिए आप भी नहीं बचेंगे, लेकिन बड़ी कार्रवाई अधिकारियों पे होनी चाहिए, इनके घरों पे जाके बुलडोजर चलाया जाए अगर तो अभी देखिए सब सही हो जाएगा। ठीक है, जितने भी इंजीनियर हैं, लेखपाल हैं, ये जो मिलजुल करके काम कर लेते हैं, इनके घरों पे बुलडोजर चला दिया जाए देखिए सब सही हो जाएगा, ना कहीं अवैध कब्जा होगा ना अवैध निर्माण होगा। ठीक है, ठीक है। अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, 27 सीटों पर कल वोटिंग होनी है, विधान परिषद के प्रमुख चुनाव हैं कल, 36 पर होनी थी, 9 पहले ही BJP बोला जाए या फिर निर्विरोध चुनाव उस पर हो चुका है, 27 सीटों में आपको क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी कहीं पर टफ फाइट में है, कुछ ऐसा लग रहा है आपको? देखिए नितिन जी, जो है सबने कहा, आपने खुद भी शुरुआत में कहा कि सत्ता का इलेक्शन होता है, तो जाहिर सी बात है इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि ये जो जितने भी इलेक्शन हैं, वो चाहे MLC का इलेक्शन हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का इलेक्शन हो, या और भी कई तरह के जो अप्रत्यक्ष इलेक्शन होते हैं, कॉपरेटिव वगैरह के भी इलेक्शन होते हैं, ये सारे इलेक्शन सत्ता के होते हैं, किसी की भी सरकार हो सत्ता का अपना दुरुपयोग करती है, सरकार पहले भी रही है, सरकार अब भी है, और जिसकी भी सरकार होती है उस पक्ष का पड़ रहा भारी होता है इन सब में, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात जो अभी हुई बात कि सरकार पहले भी जीते, हम विपक्ष में थे, अब तो अभी जीते थे, आप भी जीते हैं, और जो हमारे अजय कुमार जी ने कहा कि सत्ता को अपनी हनक दिखानी है, हनक दिखाने का अर्थ दुरुपयोग करना नहीं होना चाहिए, हनक दिखाने का अर्थ कानून व्यवस्था को इतनी चुस्त होनी चाहिए कि जो बात अभी अधिकारियों की ये कह रहे थे कि अधिकारी को 100 बार सोचना पड़े कुछ भी गलत करने के पहले, ये हनक होनी चाहिए, हनक ये होनी चाहिए कि अधिकारी के उसमें जब कोई इलीगल कार्रवाई हो रही हो तो वो अपना जो इलीगल कंसीडरेशन, अंडर टेबल कंसीडरेशन जो चलता है, मेज के नीचे से जो लेन देन चलता है, वो लेने के पहले उसको 100 बार सोचनी पड़े कि हम किस सत्ता के अधीन बैठे हुए हैं, वो कौन है, क्योंकि कार्रवाइयाँ बहुत सारी होती हैं। जिस दिन आप ये शुरू कर देंगे, अभी पिछली डिबेट में भी आपसे बात हुई तो मैंने ये बात कही थी कि अधिकारियों के अंदर जब तक नीचे स्तर के जो तबके के लोग हैं, उसमें लेखपाल है, उसमें दरोगा है, बीट सिपाही है, उसमें कंपाउंडर हैं सरकारी अस्पतालों के, ऐसे छोटे छोटे स्तर के जो लोग हैं, जिस दिन ये सुधर जाएंगे उस दिन पब्लिक को डायरेक्ट फायदा दिखाई पड़ेगा, और जब डायरेक्ट फायदा दिखाई पड़ेगा तो लोकप्रियता अपने आप बढ़ जाएगी। मुद्दे ऐसा नहीं है कि अगर सरकार बन गई तो लोकप्रियता बढ़ गई, लोकप्रियता अलग है और मुद्दे अलग होते हैं, इलेक्शन के टाइम मुद्दे चलते हैं, कौन कौन से विषय पर किस आधार पर लोगों ने वोट दिया है, नाराजगी भी रहती है, खुशी भी रहती है, तमाम पर इस बार भी बहुत जगह ऐसा रहा जहां लोग नाराज रहे लेकिन वोट तब भी दे दिया, उसके अलग वजह थी, वो अलग विषय है कि कब दिया गया। दूसरी बात जो आपकी आपने पूछी बुलडोजर की भी बात कही कि आजकल बुलडोजर की बात चल रही है और इसका मुख्यमंत्री जी ने कि झोपड़ी में बुलडोजर नहीं चलेगा, रामनिवास जी भी कह रहे थे कि अगर कल कोई कुछ गड़बड़ करेगा तो बुलडोजर याद रखे। मैं देखिए अभी मैं रामनिवास जी तो कह BJP के प्रवक्ता हैं, राजनेता हैं, नेता हैं, मैं तो अभी प्रशांत कुमार जी का स्टेटमेंट देखा जब वो कह रहे थे कि बुलडोजर नहीं चलेगा, वो एक ऊंचे पद पर बैठे हैं, एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, हाई लेवल के IPS ऑफिसर हैं, उनके मुंह से इस तरह की भाषा कि बुलडोजर नहीं चलेगा, मतलब इस तरह से बोल करके आप बुलडोजर को लीगलाइज कर रहे हैं। बुलडोजर कानून में कहीं बुलडोजर नाम का कोई शब्द नहीं है, ये इस सत्ता की में लोकप्रियता इस दूसरी सत्ता आने के बाद जो कि बुलडोजर एक मुद्दा बनाया गया इलेक्शन में, और मुद्दा बनने के बाद दोबारा सरकार बहुमत के साथ आई तो इसको ये मान लिया गया कि ये बड़ा लोकप्रिय है और इस लोकप्रियता को अब आप कानूनी जमला ना पहनाइए। बुलडोजर कहीं नहीं है, कानून कार्रवाई की बात करता है। आज आप बुलडोजर की बात करते हैं, कल आप रोलर की बात करने लगेंगे कि जो जैसे कह रहे थे ना गलत अगर होगा तो बुलडोजर है, तो बुलडोजर क्या करने, अगर कोई गलत कर रहा है तो सीधे रोलर चला दीजिए, इसके ऊपर खत्म ही कर दीजिए, क्या करना है अननेसेसरी।
क्योंकि बुलडोजर कहीं कानून में नहीं है। कानून एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत चलता है, न्यायिक प्रक्रिया की अपनी एक तरीका है, मकान ढहाने का भी अपना एक तरीका है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो आप पहले नोटिस देंगे, नोटिस तो उसको अगर कहीं जाना है उसकी एक लीगल है, जैसे कि जो बात चल रही जिसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गरीबों पर नहीं चलेगा, जब से ये जो योगी सरकार की दूसरी बार सरकार बनी है तब से भी मेरे ख्याल से ये एक महीना हुआ होगा, एक महीने में लगभग डेढ़ दर्जन घटनाएं तो सुनाई पड़ गई जहां मकान गिराए गए। हमारे गोंडा में कम से कम 7-10-12 मकान गिरा दिए गए लोगों के, जबकि वो कोई पॉलिटिकल लोग नहीं थे। बरेली में हुआ, अभी आपने नीरज बोरा जी का बताया, और भी कई जगहों की घटनाएं लगभग डेढ़ दर्जन घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर मकान गिर गए। नीरज बोरा जी के तो पास जाकर लौट या गिराए नहीं अभी, लेकिन और लगभग डेढ़ दर्जन लोगों के मकान गिर गए। हमारे गोंडा में तो बहुत समान समान परिवार के लोगों के मकान गिरा दिए गए। एक मकान बनाने में एक आम आदमी की कमर टूट जाती है, आप एक दिन जाते हैं तो अपराधी माफिया है तो गिराएंगे नहीं। अच्छा चलिए अपराधी है माफिया है, इतना ही कौन करेगा सरकार? आपने एक बार कह दिया किसी को माफिया, वो माफिया हो गया, ये तो कानून को करना है ना। और माफिया की बात अगर करते हैं आप तो एडीआर की जो रिपोर्ट आती है उसमें तो आपके भी विधायक और सांसद कहा जाता है कि आपकी पार्टी के जो विधायक और सांसद हैं वो भी सबसे ज्यादा मतलब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। और लोगों के जाके गिरा दिया तो कितने लोग कोई होता तो शायद। दूसरा सवाल मेरा ये है, और दूसरा सवाल मेरा, मैं अजय कुमार जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि देखिए जो ये अवैध कब्जे होते हैं खासतौर से चारागाह की जमीन है ग्राम समाज की, इसमें दो तरह के लोग कब्जे करते हैं। एक तो वो करते हैं जो बाहुबल वाले हैं, जिसकी बात जिसके लिए कहा जा रहा है नहीं बुलडोजर गिराया जाए, जो सत्ता में है, सत्ता की हनक में है, पैसे में है, विधायक जी के खास है, सांसद जी के खास है, सरकार के खास है, वो लोग अपना कर रहे हैं अपने वजूद को बनाने के लिए और अपनी कुछ संपत्ति को बढ़ाने के लिए। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसके पास नहीं है कहीं रहने के लिए। अच्छा वो बुलडोजर छोड़िए, ये बताइए वो कल 27 वाला जो चल रहा है, इस पर कंक्लूड कर लो। सवाल ये है कि जब आपने किसी ने अवैध निर्माण कर लिया तो उस समय वहां का लेखपाल, उस समय वहां का बीट इंचार्ज, उस समय वहां का विलेज सेक्रेटरी क्या कर रहा था और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, उनको एक्यूज क्यों नहीं बनाया गया उन लोगों के साथ? प्रोसिक्यूशन आप उसका तो कर लेते हैं जिसने जो अवैध निर्माण कर लिया, लेकिन जिसने मैप सैंक्शनिंग में अगर एलडीए के बिना नक्शा पास किसी ने निर्माण कर लिया तो उस कंसर्निंग बाबू, उस एरिया का जो इंस्पेक्टर है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उसको सस्पेंशन किया गया क्या? उसका मकान क्यों नहीं गिराते हैं आप? उसका डिमोशन क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? मतलब वो छूट रहेगा जब तक उसको छूट आप दे रहे हैं, तो ये खत्म तो नहीं होगा ये खत्म, क्योंकि ये इलाज है। जैसे किसी का सरदर्द कराए तो उसको आप डिस्प्लिन दे दीजिए, तो डिस्प्लिन से तो उसका सरदर्द सही हो जाएगा, लेकिन फिर होगा कल, क्योंकि वो इलाज नहीं है, वो एक पेन किलर है। ये आप जो कार्रवाई करते हैं ये पेन किलर है। इलाज तब है जब अधिकारी आपका दुरुस्त हो जाएगा। जिस दिन उसने मढ़ा रखने की कोशिश की, जिस दिन उसने ईटा रखने की कोशिश की, उस दिन अगर रिपोर्ट लग गई और तीसरे दिन जैसे पहुंचे कि साहब ये न्यू हटाइए यहाँ से, ये आपकी जमीन नहीं है, पहले सोचता है कराइए कि आपकी है कि नहीं, जब इस पर फाइनल हो जाए तब आप इस पर ईटा रखिएगा, तो वो स्थिति ना बने। ठीक है ठीक है ठीक है। मिसम भाई पानी बहुत पी रहे हैं आज, अब मैंने देखा अभी यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आप लोग चुनाव को देखते हुए पहले ही सरेंडर हो गए, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं चल रहा है आप लोगों की तरफ से, काहे का डर है? तैयारी चल रही है, कुछ गोपनीय तैयारियां होती हैं, इनको बता के तैयारी थोड़ी। अब कल चुनाव है तो गोपनीय तैयारी कौन सा करेंगे? जो राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे जो अजय जी थे जो कह रहे थे, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ सर कि हमने सरेंडर नहीं किया है, हमने आपकी बातों में ऐसा लगा कि आप सरेंडर कर चुके हैं। हमने सरेंडर नहीं किया है, हमने आपको इस वक्त के जो मौजूदा हालात है उनके बयान की एक नहीं नहीं, उन हालात से लड़िए ना आप, उन हालात से लड़िए, इसीलिए तो आप विपक्ष में है ना, विपक्ष में आप उसी हालात से लड़ने के लिए विपक्ष में हैं सर। विपक्ष में आपको बैठने का जो मिला हुआ है वो जनता यही चाहती है कि आप जो सरकार गलत कर रही है उसके खिलाफ मुखर होइए, सरेंडर मत करिए। बिल्कुल सर, वो हम कर रहे हैं और हम करेंगे, जनता ने हमको चुना है, अगर हमको जनता ने विपक्ष में बैठाया है तो हम नैतिकता के आधार। लेकिन शुरुआती बात आपकी यही थी कि जितनी सीट भाजपा जीतने देगी उतना ही हम जीतेंगे, आप ही ने कहा था ना कि जितना जितना भाजपा जीतने देगी उतना ही हम जीतेंगे, तो ये सरेंडर ही तो हो गया। वो मैंने इसलिए कहा था सर कि जो हालात उत्तर प्रदेश के, नहीं फिर आप हालात में मत जाइए, आपको देखिए मजबूत विपक्ष की भूमिका मिली है और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाइए। हम लोग जो जैसे आम आदमी का दर्द है वो कहाँ जाएगा अगर आप लोग चुन के जाएंगे और नहीं उठाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसके 100 से ज्यादा विधायक हों और वो ये कह दे कि भाजपा हमको जितना जीतने देगी उतना हम जीतेंगे, तो ये तो सरेंडर ही हुआ ना जयदीप जी। हम जैसे लोगों के लिए तो आप ही सहारा है, फिर हम कहाँ जाएंगे सर? इस मसले पे मैंने जो टॉपिक था, हम लोग तो फिर चले जाएंगे कहीं और। मेरा कहने का मतलब सर साज है सर कि मामला ये है कि इनसे ज्यादा इनके इतना हमारे पास बाहुबल और धनबल नहीं है, इनका कार्य ये है कि सत्ता में जनता का बल है ना आपके पास, जनता का बल है।
बिल्कुल जनता तो धनबल बाहुबल को छोड़ दीजिए ना, जनता के बल पे आइए। जी जी, अब जनता के बल पर हम लड़ेंगे, क्योंकि ये चुनाव जो होता है वो डायरेक्ट सत्ता से रिलेटेड होता है। आपके कई प्रत्याशी जिन्हें मैंने देखा है, ठीक है, आप जैसे हरदोई वाले को ले लीजिए, आपके नेता ने गलत आदमी को चुना, इसका मतलब कि जिसको आप प्रत्याशी आपने बना दिया वो आदमी जाके बैठ के सरेंडर कर जाए। तो ये तो जिन लोगों ने ऐसा नहीं है, आप अपने वोट परसेंटेज को देखिए, कितने लोगों ने आपको वोट दिया है, जो डरे नहीं है वो आप, हाँ, 2 करोड़ से लोगों ने ज्यादा वोट दिया ना आपको, वोट दिया है तो वो आप, देश की जनता ने हमको सराखों पे बिठाया है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप उन उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे हैं मिशन जी, आप खरे नहीं उतर रहे हैं, और इस बात का अफसोस है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल उतर रहे हैं आप। 36 में से 9 जगह पे, 36 में से 9 पे वॉकओवर दे दिया आपने। नहीं, वॉकओवर हमने नहीं दिया। देखिए, मैंने कहा ना कि जब आपके प्रत्याशी बैठ गए ना, आप बंदूक की नोक पर बिठा, फिर वही बात, फिर बंदूक, आप बंदूक, लोकतंत्र में बंदूक नहीं चलती है, ये लोकतंत्र है, यही तो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। तो आप उसके खिलाफ लड़िए ना, लोकतंत्र के खिलाफ। आपके प्रत्याशी बैठ जा रहे हैं, आप लोग बोल तक नहीं रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं, अपने ऊपर मुकदमे लिखवा रहे हैं। आपने क्या किया जो हरदोई और लोगों में जगह पे बैठ गए आपके प्रत्याशी, उनके खिलाफ आपने क्या किया? उसमें जांच होगी, एक्शन होगा, देखा जाएगा। अरे तब तक तो चुनाव निकल गया, काम खत्म हो गया, जांच करते रहिए आप। ये तो वही बात हो गई जैसे सरकार जांच करती है, 5-5, 10-10 साल जांचे चलती रह जाती है। 5 साल यहाँ तो आपके एक आदमी वन मैन आर्मी है अखिलेश जी, और अखिलेश जी को तुरंत फैसला करना चाहिए कि उसने गलत क्या किया, सही क्या किया। सर, हमको 5 साल यही अपनी पार्टी में जयचंदों को भी खोजना है। और ये बात अब सही बात पे आ रहे हैं, धीरे धीरे पार्टी के जयचंदों को खोजिए आप, और उनको निकाल के बाहर करिए, और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाइए। बिल्कुल करेंगे। 400 में से 100 से ज्यादा विधायक आपके हैं। हाँ, बिल्कुल मिलेगा, और बिल्कुल है सर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आप लोगों से सीखने का मौका मिलता है हम लोगों को, और जनता की सेवा करने का नहीं, मेरा सुझाव है कि हम लोगों की आवाज है, इसको आप दबाइए मत। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। और आप वो जो चुनके जुनके लोग विधायक लोग आए हैं आपके, वो जनता के वोट से ही चुनके आए हैं। बिल्कुल, जनता के वोट से। वो यही सोच रहे हैं कि आप उनकी आवाज बनेंगे, और आप आवाज बनना बंद हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। उनके सुख दुख में हम भागीदार भी हैं, वो सब कुछ बात होने के बाद। एक को तो संभालिए पहले, अपने एक प्रत्याशी को तो संभालिए। आपने हम कैसे विश्वास कर रहे हैं कि आप मजबूत विपक्ष बनाए रहेंगे। मैं एक लास्ट वर्ड आपसे कहना चाहता हूँ। हाँ, बताएं बताएं। बातें अजय सर आपने मुझसे बताई, मैंने उनको सहज स्वीकार किया, और मैंने उन बातों को सुना, और उस पर प्रयास भी रहेगा। अगर यही बातें आप भारतीय जनता पार्टी से कर देंगे सर, तो सुबह बिल्डोजर आ जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके घर पे सुबह बिल्डोजर आ जाएगा। नहीं नहीं, देखिए, वो आप अमिताभ ठाकुर के वजह से कह रहे होंगे। यहाँ बैठे हमारे जो है बड़े भाई, हमारे जो है राम निवास जी, फोन लगा देंगे, बिल्डोजर पहुंच जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं, करने नहीं, की नहीं। हिम्मत है का? इतना बिल्डोजर फ्री नहीं है। या आप जैसे निडर राजनीतिक विशेषज्ञ, हमारे नितिन भाई जैसे निडर पत्रकार जो है, गौरव भाई जैसे, उनमें साहस और हिम्मत है, बाकी पत्रकारों में साहस वजह का, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाते हैं सर। और नितिन भाई का और अजय भाई का साहस कौन है? आप ही तो हैं। बिल्कुल। और आप अपना साहस खो देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? एक दूसरे के पूरक है, हम लोग पैरलर है, ये नहीं है कि अगर हम उनका है तो वो भी हमारा है। नौ जगहों पे जो आपने दिखाया है वो शर्मिंदा करने के लिए बहुत है। आपके प्रत्याशियों ने जो 9 जगहों पे किया है वो शर्मिंदा करने के लिए, जो विपक्ष की भूमिका होती है, बिल्कुल कम अज कम लड़ना तो चाहिए। बिल्कुल सच है, आपने सही कहा है। नहीं, सवाल तो है, क्योंकि उदयवीर सिंह जैसे बड़े नेता जब पर्चा भरने गए तो उनके साथ महज एक आदमी था, और आपने कहा उनके साथ लूटपाट और मारपीट हो रही थी। ये सब सवाल है, क्योंकि बड़े नेता रहे हैं भाई वो समाजवादी पार्टी से। सत्ता जब थी तो वो सत्ता के बड़े पास थे, सत्ता जब नहीं थी तो अखिलेश जी के पास थे, लेकिन जब पर्चा जमा करने जा रहे हैं तो उनके साथ सिर्फ एक आदमी है। तो ये सारे सवाल हैं जिन पर कहीं ना कहीं सोचना जरूरी है। मतलब मीसम जी, संदेश अच्छा दीजिए। नितिन भाई, अधिकार हमारे पास नहीं है, ये सब का जवाब देने का अधिकार है, और चीफ सेशन तय करेगा। और उदयवीर सिंह बड़े नेता हैं, लिहाजा उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कि कोई भी आदमी अकेला जाए या 10 आदमी के साथ अगर जाता है तो ये सवाल नहीं। लेकिन अंदेशा तो था ना आप लोगों को कि कुछ गड़बड़ हो सकता है? नहीं, गड़बड़ क्यों? तो फिर आपका पुलिस प्रशासन से जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, सबका साथ सबका विकास,
और कानून के रखवाले, तो फिर किस बात के आप? जब हम खुद ही अपनी सुरक्षा करेंगे और सब आदमी लेकर के चलेंगे तो फिर हमारे देश का कानून और हमारी जो है वो क्या करते हैं, पुलिस क्या करेगी? मिसम जी, जयवीर जी पर आपके ये कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है। नहीं, वो ऑडियो आपने भी सुना होगा निश्चित तौर पे। यही तो खूबसूरती है हमारे संविधान हमारी पार्टी की कि हर आदमी को। क्या कार्रवाई हुई जयवीर जी पे? हर आदमी को अपना। जयवीर जी पे क्या कार्रवाई हुई? उदयवीर पर सारी बात रखी है तो फौरन कार्रवाई किसी के कह देने से। अजय भाई, अगर हम आप पर कोई आरोप लगा देंगे तो हम आपको अभियुक्त थोड़ी मान लेंगे। अगर हम आप, लेकिन दिखे तो दिखे, दिखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये एक सवाल ये बुलडोजर वाला भी था आपसे मिसम भाई, इस फैसले को आप किस नजर से देखते हैं? मुख्यमंत्री को ये आदेश क्यों देना पड़ा? क्या कुछ गड़बड़ हो रहा था? देखिए, ऐसा है कि जाहिर सी बात है कि कहीं ऐसा लगा कि पानी सर से ऊपर ना हो जाए, क्योंकि अभी तो आप बिल्डोजर चला रहे हैं मान्यवर, मगर समय आने पर जब हम लिस्ट निकाल करके तैयार करके और आपके सामने प्रोड्यूस किया जाएगा कि किन किन जगहों पर बायस होकर के आपने बिल्डोजर चलाया है। लिस्ट में तो सब है, मगर आपकी जो लिस्ट है ना और जो उसका बिल्डोजर है उसका स्केरिंग घूम नहीं रहा है, वो एक ही दिशा में चला जा रहा है। इसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि सत्ता और अहंकार और ताकत हमेशा किसी के साथ नहीं रहती है, और यही है कि पारदर्शी होकर के काम नहीं हो रहा है। हर उस जगह पर आपका बिल्डोजर जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, और जो भारतीय जनता पार्टी में है वहां पर स्टेरिंग नहीं घूम रहा है। तो वो घुमाने का कार्य जो है वो जनता करेगी। ज्यादा इस बात का डर है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, तभी उन्होंने ये आदेश किया है। और जाहिर सी बात है, जो आप भी देख रहे हैं वो हम भी देख रहे हैं बैठ करके, कि अभी जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ जी ने कहा, तो ये कानून और ये कोर्ट और ये न्याय, फिर इन सबको बंद कर देना चाहिए, सीधे सीधे उठा कर बिल्डोजर चढ़ा देना चाहिए, इससे न्याय नहीं मिलेगा। और अभी जो बात कही, बहुत अच्छी बात कही हमारे भाई ने, ये बात को उठाया हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ ने, कि उन्होंने एक बात कही अभिषेक मिश्रा जी ने, कि जो दर्द है वो डिस्प्रिन से खत्म हो जाएगा अगर उसका इलाज नहीं होगा। मगर आपको मैं बताऊं सर, कि वो इलाज करना ही नहीं चाहते हैं, वो तो जड़ से किसी प्रॉब्लम को खत्म नहीं करना चाहते, वो इलाज ही नहीं करना चाहते हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ इस तरह से जनता का आकर्षण अपनी ओर कर रहे हैं, ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि देखिए मैं ये ऐसा कार्य कर रहा हूं, क्योंकि आम जनता को इससे मतलब नहीं है। आपने अपराधी कैसे चढ़ा दिया, आम जनता समझी कि अपराधी सर बिल्डोजर चढ़ गया, मगर जिस वक्त लिस्ट जो है वो प्रकाशित होगी और उसमें नाम आएंगे तो आप देखिएगा, अगर ये बायस होकर के बिल्डोजर न चलाएं तो कल से स्टेयरिंग मुड़ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर ये बिल्डोजर चलने का काम होगा। ठीक, इन्होंने अवैध धन संपत्ति को एकत्रित कर रखा। ठीक है रामनिवास जी, तो फिर फर्क क्या रह जाएगा मिसम जी आप में और उनमें? मैं पहले रामनिवास जी के पास चला जाऊं फिर आपता हूं आपसे। भाई रामनिवास जी, सुना आपने मिसम जदी क्या कह रहे हैं, सत्ता में अगर आएंगे तो बुलडोजर की स्टेयरिंग घुमा सकते हैं? नहीं, मिसम जी की पीड़ा है भाई, सत्ता में थे 2014 में, 2017 में सत्ता में थे, तब क्या किए? क्योंकि इनके लोग तो खाली उत्तर प्रदेश की जनता को लूटने काम कर रहे थे, उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने काम कर रहे थे, इसलिए कुछ नहीं कर पाए। आज डर क्यों रहे मिसम जी? इनको पता है कि हमारी पार्टी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, अवैध रूप से सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, गरीबों ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, हो सकता है कि जो है छानबीन में आ जाए, चल जाए बुलडोजर। ये तय है जिसने गड़बड़ किया है, जिसने अवैध रूप से कब्जा किया है, सरकारी ज़मीन हो चाहे किसी गरीब व्यक्ति की जमीन हो, उसको योगी जी छोड़ने वाले नहीं है। वो सारी जमीनें खाली कराई जाएंगी और उन जमीनों पर जो माफियाओं ने कब्जा कर रखी खाली करा के गरीब लोगों को मकान बना के हमारी सरकार देने काम कर रही है, आगे भी करेगी। नहीं, उसमें अधिकारी जो भी है सब पर कार्रवाई होगी, अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू। एलडीए जो मकान आपने गिराए, जैसे अभी कोतवाल साहब का मकान गिराया कि वो बिना सैंक्शन मैप सैंक्शन नहीं था, तो एलडीए के वो कंसर्निंग क्लब के खिलाफ क्या कार्रवाई वो बता दीजिए आप। अभिषेक जी, नहीं सुनिए, आपको पूरी जानकारी नहीं, वो नजूल की जमीन पर बना रखा था मकान, अच्छा, इसलिए सरकार ने गिराया। नजूल अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कोई नहीं बख्शा जाएगा, अरे जो भी गलत करेगा, जितने मकान संभव है कार्रवाई हो रही, अधिकारी भाग्य भागे फिर रहे हैं क्योंकि लिस्ट बन नहीं है, जिन लोगों के कोई नहीं बख्शा जाएगा, वो अधिकारी हो चाहे माफिया हो चाहे यादव जी, हमारे मकान जो भी है यादव जी हमारे सरकार कार्रवाई करेगी। यादव जी हमारी बात जवाब दे दीजिए, हमारा मकान तो आपने गिरा दिया इसलिए क्योंकि हम अवैध कब्जेदार थे, लेकिन जिसने उस हमारा साथ दिया अवैध कब्जेदारी में, क्योंकि फ्री तो हुए नहीं, हम उसमें इलीगल कंसीडरेशन दिए, दाम दिए, पैसा दिया, अधिकारी ने कहा कर लो कर लिए,
तो हमारा तो गिरा दिया क्योंकि हमने गलत किया था, लेकिन जिसने उस गलत में पूरा साथ दिया और जिसकी वजह से और लोग उसके खिलाफ कोई दो घटना बताइए कि वो फलाना मकान गिरा था उसके यहाँ उस लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई हो गई, उस एलडीए के कंसर्निंग क्लर्क के खिलाफ भी साथ में कार्रवाई हुई, उसका भी मकान गिराया गया, नोटिस चलवा दी गई, आप दो कार्रवाई बताइए मुझे। अभिषेक जी, पहली बात तो आपको जानकारी नहीं सिविल कोर्ट में, जो प्रॉपर्टी परचेज करता है, जो कब्जा जो बेनिफिशियरी होता है उसी पर कार्रवाई होती है, अगर अधिकारी ने भी कोई ये आप एक नया तरीका बता रहे हैं, आप जानकारी नहीं तो फिर आप कहां से डिस्पेंस कर रहे हैं, कार्रवाई मत बताइए नहीं जाएगा, इसलिए कि आप कार्रवाई करते नहीं हो, माफिया हो नहीं, आप ये मतलब अपने अधिकारी का नहीं, यही आपका आपका जानकारी नहीं सही, इसलिए सिविल मामलों में आपको जानकारी पूरी रखनी चाहिए कि जो इसका बेनिफिशियर है, जो भी सिविल बेनिफिशियर है, अगर आप बात करते हैं, हमें जानकारी नहीं है, मैं वकालत कर रहा हूं 15 साल से, मुझे तो जानकारी नहीं है, चलिए ठीक है ना, कि तमाम वकील घूमते रहते हैं, जानकारी तो नहीं रहती, मैं सड़क छाप वकील हूं वो अलग बात है, चलिए ठीक है, अब आप मुझे मान लीजिए उसी तरह टहलने वाला वकील, ये बताइए सिविल कोर्ट में मतलब सिविल कोर्ट के बिना आदेश मकान गिराने का नियम है, किसी के भी मकान गिरा दीजिएगा आप, एक दिन जाएंगे नोटिस चस्पा करेंगे और दूसरे दिन बोर्ड लगाकर मकान गिरा देंगे, ये सिविल कोर्ट के न्यायालय में ये आदेश आपको दे रखा है। अभिषेक जी सारी कानूनी प्रक्रिया अपना के देखिए, आपको तो कोई मानना नहीं है तो हम मनाने का ठेका नहीं रखे आप, क्योंकि आपको अपनी बात रखनी, किसी बात सुननी नहीं, जो भी अपराधी होगा, जो भी माफिया होगा, गुंडा होगा, जो भी उसको छोड़ने वाले नहीं है, आप जैसे वकील चैतरा उनका बचाव करे, हम सरकार हमारी छोड़ने वाली नहीं, मुकदमा नहीं लगाया, हम तो सुरक्षा वकील, आपने बताया मान लिया अपने आप को, हम तो सुरक्षा वकील है, मैं नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल बकवास वकील हूँ, मुझे कुछ नहीं आता कानून की, एबीसीडी नहीं आती साहब, आप संविधान व्यवस्था के हैं, आप मुझे बता दीजिए कि जो लोग अगर कानूनी राज जो सरकार की संपत्ति है उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार के बिहार पर जो लोग अपॉइंट होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट उनकी होती है, वो लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक, और क्या प्रपोजल है उनके लिए आप बताइए ना। अभिषेक जी सवाल सही उठा रहे भाई, आपका सरकारी पिछली सरकार में एक्सटॉर्शन मनी मांग रहा था, आज तक उसका पाटीदार का मकान नहीं गिराया गया, अभी तक वो डिसमिस भी नहीं हुआ सर्विस से, क्यों भगोड़ा घोषित है, भगोड़ा तो हमारा कहना था ब्यूरोक्रेट्स के लिए क्यों नहीं, आखिर ये रहमदली क्यों। अभिषेक जी जी निश्चित रूप से जैसे आपने पाटीदार नाम लिया, उसका मकान कुर्क हो गया, भगोड़ा घोषित हो गया, अब क्या उसको फांसी लटकाएंगे, उसका मकान क्यों नहीं गिराया, उसका कुर्क करेंगे आप, नहीं देखिए एक मिनट, एक उसको क्यों, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही, इसलिए क्योंकि उसके खिलाफ आरोप है, एक क्रिमिनल ऑफेंस का आरोप है, आरोप यह है कि उसने एक्सटॉर्शन मनी मांगी जिसलिए एक आदमी मर गया, इसी तरह माफियाओं के ऊपर आरोप है कि ये अपराध किया वो अपराध किया, तो एक अपराधी जो है उसका तो आप मकान गिराएंगे, और जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है जिसे कंधों पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी थी, वो अपराध करेगा तो उसका मकान कुर्क करेंगे आप। अभिषेक जी आपको जानकारी नहीं, स्टैंडर्ड नहीं, अभिषेक जी आपको जानकारी नहीं है, इंस्पेक्टर नहीं, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, राम निवास भाई क्या ना कि आप ना तो जवाब लेना चाहते हैं, नहीं खाली अपनी बात रखना चाहते हैं, भाई चिन्हट इंस्पेक्टर जो गिराया गया मकान वो पुलिस विभाग था, खिलाफ कार्रवाई इसकी हुई, ऐसे अगर कोई अधिकारी उसमें इन्वॉल्व है वो बक्सा नहीं जाएगा, अभी तो महीने भर हुआ है, आगे देखते रहिए, अभी सब नापे जाएंगे, उनका मकान इसलिए गिरा क्योंकि वो अपराधी था, क्योंकि गोरखपुर की घटना में था इसलिए गिराया आपने, उसका मकान इसलिए गिराया क्योंकि मैप सेशन नहीं था, ये आपके अखबार की खबर है, इसलिए आपने नहीं गिराया क्योंकि वो अपराधी है, नहीं कोई जवाब नहीं आपके पास, एक महीने की सरकार क्यों कह रहे हैं रामनिवास जी, नहीं एक महीने भी सरकार हमारी हुई है, सब पर कार्रवाई हो रही है, तभी आज बुलडोजर चिल्ला रहे हैं आप जो है, लगता है कोई बहुत क्लोज आदमी आपका अवैध कब्जा कर रखा है, सरकार ने कार्रवाई की है, जो सवाल उठता है वो क्लोज हो जाता है, वो ये मीसम जी तेरे साथ हो गए, उनको अपनी जमीन बचानी है, मीसम भाई जमीन बचानी है आपको, कहा कि अगर कोई अपराधी है, अगर कोई अपराधी है उसने गलत तरीके से जमीन कब्जा की, चाहे व्यक्ति की चाहे सरकार की, सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं, बिल्कुल सही है, मगर क्या क्या कह रहे हैं मीसम जैदी, क्या कह रहे हैं अपनी कौन सरकारी खिलाफ क्यों नहीं, मीसम जैदी कुछ कह रहे हैं, मीसम भाई जमीन बचानी है आपको अपनी, इसलिए शांत हो गए क्या, हो गया हूँ कि जो हमारे यहाँ पर वो प्रवक्ता आपने जो बिठा के राजनीतिक विशेषज्ञ बैठाए हैं हमारे पैनल पर, वो मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से वो बच रहे हैं उनके सवालों से, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके पास अल्फाज नहीं है बताने के लिए कि इस तरह से बायस होकर के जो कार्रवाई की जा रही है उसका कोई उनके पास जवाब ऐसा नहीं है कि जिससे वो उनको संतुष्ट कर सके, मतलब आपका काम हम लोग कर रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है मीसम जी, हमें विपक्ष के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, मतलब आपका काम हम लोग कर रहे हैं, सारी तलवार जो उनके ऊपर चल रही है, मैं जिस तरह से उनको देख रहा हूँ बैठा हुआ और मुझे उन पर तरस आ रहा है
मान्यवर के ऊपर कि बेचारे हमारे राम निवास जी जो है वो जवाबों से उनके पास जो है वो उनके पास जवाब खत्म हो गए हैं और वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि किस तरह से वो अपना बचाव नहीं मतलब वो ये भी कह रहे हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि निशम जी भी इसलिए शांत हो गए उन्होंने जमीन बचा ली। आप पर पूछना पड़ता है। मैं समझना चाहता हूँ कि अगर हम कोई सवाल करते हैं तो ये कहा जाता है कि विपक्ष काम नहीं करने देता। तो हमको भी तो बोल तो दिए बता दिया आपका कोई गिराया गया होगा बता तो दिया और राजनीतिक विशेषज्ञ उस पर प्रहार कर रहे हैं तो इसके बारे में उनको कौन सी उपमा देंगे जो हमेशा हमें उपमा देते हैं। दिया तो चाहता हूँ वो किस उपमा से नमाज देंगे। अब और क्या गाली दिलवा रहे हैं क्या? दे तो दिया उन्होंने उपमा आपको। नहीं वो ये भी कह रहे हैं राम निवास जी कि आप शांत इसलिए बैठे क्योंकि आपकी कोई जमीन उमीन है जिसे बचाना चाहते हैं। नितिन जी अगर सच्चाई आपको बता दें तो उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कोना ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर जो है कोई ना कोई गलत कार्य या किसी ना किसी अवैध तरीके से जरूर बना होगा क्योंकि आज की डेट में आपको मालूम है कि अगर आप अपना घर बनवाने जाएंगे और अगर आप चाहेंगे कि एलडीए से कोई स्वीकृति मानचित्र आपको बगैर लेन देन करके पास हो जाए तो कदापि नहीं होगा और आपको उसमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ये आज की सच्चाई है मगर उसके लिए जो अभी हमारे प्रवक्ता भ्रष्टाचार के साथी हैं और इसमें जो बात कही है हमारे अभिषेक मिश्रा जी ने और हमारे अजय जी ने कि जो अधिकारी वहां पर उस वक्त पोस्टेड था जो भी वहां पर लेखपाल था जो भी वहां का इंस्पेक्टर था जो भी एलडीए का वीसी था आपको उसके खिलाफ भी उतनी ही कार्रवाई करनी है क्योंकि वो भी बराबर का भागीदारी है। कल को अगर कोई एक आदमी जो ले मैन है जो पढ़ा लिखा नहीं है अगर वो अपना मकान बनवाता और उसको नहीं पता है कि एनडीए के रूल्स रेगुलेशन क्या है मानचित्र के बारे में वो अभाव है उसको जानकारी का तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं कमी करेगा और आप उसको देख करके क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है आप फायदा होकर के वहां पर लेकिन भाई अजय जी कुछ कह रहे हैं ये बहुत दुखद है जो आप ये बोल रहे हैं कि देश के किसी कोने में बिना घूस के घर नहीं बनवाया जा सकता ये बहुत दुखद है और आप जिम्मेदार प्रवक्ता हैं पार्टी के ये बात ठीक नहीं है कि आप अगर ये कह रहे हैं कि घर कहीं भी बनवाना हो बिना लेन देन के बिना सेटिंग के नहीं बन सकता है फिर तो आप अपने ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं इसका मतलब आपने भी वही किया है। जाहिर सी बात है हम अधिकारियों की बात कर रहे हैं हाँ तो ये लेकिन ये तो बढ़ावा दे रहे हैं ना सिस्टम को ठीक करना है ना तो सिस्टम कैसे ठीक होगा आपकी भूमिका जो हो तो नकारात्मक हो रही है अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो ना जिन अधिकारियों ने ले दे करके लेकिन आप तो खुलेआम ये कह रहे हैं कि जहां भी देश के किसी कोने में बनवाना हो समझिए ये मुद्दा विधानसभा में क्यों नहीं उठता है कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है ये मुद्दा तो अब तो आप अच्छी पोजीशन में हैं अब तो आपकी संख्या भी काफी हो गई है ये मुद्दा विधानसभा में क्यों नहीं उठेगा बुलडोजर अगर चलेगा तो अधिकारी के खिलाफ भी चलेगा उसके खिलाफ चाबू की चलाइए ना बुलडोजर चलाइए बुलडोजर को मैं बहुत मानता नहीं देता लेकिन चाबू तो चलना चाहिए ना कार्रवाई का कानून का चाबू सर बिल्कुल ये मुद्दा उठेगा और उतना ही चाहिए जैसे कि अभी राम निवास जी कह रहे हैं एक महीना हुआ है सरकार को तो हमारे लिए भी तो एक ही महीना हुआ है ठीक है पल्ला झाड़ते पल्ला झाड़ लीजिए आपका भी है पल्ला झाड़ते रहिए बस राम निवास जी भी मिसम जी भी चलिए ठीक है सचिन सिरोहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन भाई क्या लगता है 27 में से कितनी सीट आपकी पार्टी जो आप जिसके साथ गठबंधन में है वो जीतती हुई कल नजर आ सकती है? देखिए हम मेरठ में एक सीट पे राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ा है और निश्चित रूप से मेरठ की विधान परिषद की सीट को हम जीतने का काम करें और हम लोग ये समझते हैं उत्तर प्रदेश नहीं इस तरह की बातें तो आप लोग विधानसभा चुनाव में भी कह रहे थे कि पश्चिम पूरा हम जीत कर आ जाएंगे और आया कुछ नहीं निश्चित हम 8 विधानसभा सीटें जीत के आए हैं हाँ। और दर्जनों से ज्यादा सीटें हम 500 से 30-32 सीटों पे लड़े थे आप लोग 8 सीट जीत के आए उसमें से भी 6 आपके सिंबल पे थी 2 थी तो वो सपा वाले सिंबल पे थी सपा के हम अपने सिंबल की सीटें जीत के आए हम अपने सिंबल की सीटें जीत के आए हैं। कैंडिडेट तो सपा वाले थे ना 2 सीट पे दर्जनों सीटें ऐसी थी जिनको हम 500 से कम मार्जिन से हम हारे और वो क्यों हारे किस तरीके से उन लोगों को हराया गया वो पूरा उत्तर प्रदेश में नहीं हारे थे या हराया गया इनका कहने का मतलब यही है हराया गया कुछ लोगों को जो हमारे लोग हारे वो सबने देखा पूरे उत्तर प्रदेश में सब लोग जानते हैं किस तरीके से उन लोगों को हराने का काम और कल भी इसी तरह हुआ था भी हो जाएगा कल भी हाँ ठीक बात देखिए हम नहीं हमने तो इसलिए एक बात जानते हैं कि जो लोग हम तो निकल के आए थे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी लगा कि अब रोजा टाइम है ऐसा टाइम हो जाता है 9 बज जाता है निकलते थे आप कहाँ हैं लोहिया जी में विश्वास रखते हैं अच्छा आप घर कहाँ पे
और जिन लोगों का जमीर जिंदा होगा वो लोग गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देने का काम करेंगे, वो लोग ना बुलडोजर से डरेंगे। नहीं भाई, आप दूसरे के भरोसे पे कब तक रहेंगे? आप अपने भरोसे पे कब आएंगे? जब सत्ता आएगी तो आप कह रहे हैं कि वो हमें आके वोट दे देंगे जो डरेगा नहीं। गठबंधन में हमारी हिस्सेदारी में जो हमें मिला है। नहीं, आप कह रहे हो, आप सचिन भाई आप कह रहे हो कि जिनको डर नहीं होगा बुलडोजर का वो आकर वोट देंगे हमें, तो आप दूसरे के भरोसे बैठे हो। आप अपना भरोसे में आपने क्या किया? आप यही कह रहे थे कि किसान भी आकर हमें वोट दे देगा विधानसभा चुनाव में, आया कोई नहीं। कह रहे हो कि हमें हरा दिया गया, कल वाली भी हरा दी गई, तो सीखा क्या आपने? वोट दिया है हमें, हर वर्ग का वोट मिला, वो पूरा। अरे वोटिंग परसेंटेज भी पिछली बार से कम हो गया भाई, हमारी दर्जनों सीटों को हराने का काम पिछली बार जो गड़बड़ हुआ है आपके साथ, पिछली बार जो गड़बड़ हुआ है आपके साथ, उससे कुछ सीखे उके इस चुनाव में कि इस बार थोड़ा मजबूती दिखानी है ताकि कुछ गड़बड़ ना होए? बिल्कुल मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं। मेरठ की जो विधान परिषद की सीट है, हाँ, उसको हम कल जीतने का काम करेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। क्योंकि मतलब मेरठ में आप टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को? बिल्कुल निश्चित तौर पर हम जीत रहे हैं मेरठ। ठीक है राम निवास जी, मेरठ वाली सीट तो गई आपके हाथ से। ये आरएलडी प्रवक्ता हमारे भी बोल रहे थे, मैंने आपसे पहले कहा कि जीरो मिलेगा, जीरो। अच्छा, आज भी यार नोट कर लीजिए, और जब अभी तीन दिन बाद रिजल्ट आएगा तो जीरो मिलेगा आरएलडी का, जीरो है। आपको कहां से मिली? कॉन्फिडेंस है और क्या? जीरो मिलेगा, कॉन्फिडेंस है। जो विधानसभा में आपको हुआ वही इसमें होना है। बिना मतलब का परेशान है, सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही, आप लोगों का खाता नहीं। सिरोही साहब, जैसे हमें साथ में पता लग गया था कि पौने 300 सीटें आएंगी, आगे फिर करेगी आपको। लोकतंत्र आप दिखाना चाहते हैं, लोकतंत्र में ये कहां से आपने साबित कर दिया पहले कि आप सारी सीटें जीत रहे हैं? अरे गिनती के वोट है, मालूम हो जाता है, गिनती के वोट है, खेला कर रहे हैं आप। नहीं, आप देखिए, जब लगातार हम जीत रहे हैं, आप कहीं को रोक नहीं पा रहे, जनता आपको नकार रही है, जनता ऐसे भी नकारेगी। इसीलिए मैं जनता के दावे से कह सकता हूँ कि सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, विपक्ष का खाता नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। इसका मतलब तो ये है कि अंदर खाने सब कुछ तय कर दिया आप लोगों ने। तो आप बताओ, आप बैठे रह गए, इन लोगों ने सब तय कर लिया, आप बैठे रह गए, ये लोग ने सब तय कर लिया, आप फिर कुछ नहीं कर पाए, ये गलत चीज है। आप लोग को पहले से उनसे जानना चाहते हैं, ये मेरा सवाल है राम निवास जी से कि उन्होंने कैसे ये घोषणा कर दी कि वो सारी सीटें कल जीतने वाले? नहीं, उन्होंने तैयारी करी है उस हिसाब से। क्या सरकार का नहीं, हमारी तैयारी है और लगातार 2014 से जनता हमको जिता रही है। आपके लिए कोई तैयारी है ना, आपके साथ कोई वोटर है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमारी सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, विपक्ष को खाली जीरो मिलेगा, जीरो। मेरे सहारनपुर ये सीटें हम जीतने का काम करेंगे कल। चलिए ठीक है, नतीजे वाले दिन बुलाऊंगा आपको, फिर देखता हूँ क्या सच्चाई है क्या नहीं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत 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 धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो कल विधान परिषद की 27 सीटों पर वोटिंग होनी है। बीजेपी एक बार फिर से पूरे कॉन्फिडेंट में है कि एक बार फिर से वो विधान परिषद की इन 27 सीटों में बड़े आंकड़े पर जीत दर्ज की है करेगी, क्योंकि 9 सीटों पर पहले ही निर्विरोध चुनाव हो चुका है, जहां कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में आती हुई दिखाई दे रही है। अब इन 27 सीटों पर लड़ाई कितनी टफ है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये नतीजे वाले दिन पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं सत्ता के चुनाव को देखा जाए, अगर उसके नजर से देखा जाए, तो बीजेपी इस चुनाव में ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।